फ्रेंड्स आज हमने बनाए हैं तिल और गुड़ की रेवड़ियाँ। फ्रेंड्स ये रेवड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम समय में बनती है। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 100 ग्राम सीड्स को ले लिया है, इसे तिल भी बोलते हैं। हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है फ्रेंड। ड्राई रोस्ट करने से होता है कि इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स इसके दाने किस तरह से फूलने लगे हैं, अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसी पैन में अपना 1/2 टीस्पून घी दे देंगे। फ्रेंड्स हम घी सिर्फ शाइनिंग के लिए देते हैं। इससे पहले मैंने मुरमुरे के लड्डू और गचक की रेसिपी डाली थी जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसमें उसका लिंक डाल दिया है। ये फ्रेंड्स 100 ग्राम गुड़ है, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप किसी भी एक बाउल का मेजरमेंट रख सकते हैं जिससे आप तिल लें और उसी से आप गुड़ भी ले सकते हैं। इसे मेल्ट करने की सारी प्रोसेस को हमें एकदम स्लो फ्लेम पर करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाने से ये जल सकता है, इसका जला जला स्वाद आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना फ्लफी हो गया। अब हम इसकी तार को चेक करने के लिए एक बाउल में इस तरह से पानी ले लेंगे और उसमें इस तरह से थोड़ी सी लाइन बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसे हम 2-3 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं और अपने गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से बबल्स आ रहे हैं हमारे गुड़ में। अब इस तरह से इसे ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स जब आप गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो आप इसे 1-2 बार ज़रूर चेक करें ताकि आप कन्फर्म हो जाएँ कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह से टूट रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमें गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है, एकदम स्लो करना है और अपने सीड्स को मिलाना है क्योंकि फ्रेंड्स हमें सारी मिलाने की प्रोसेस को एकदम स्लो फ्लेम पर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस तरह से हमें अपने सारे तिल को दे देना है और थोड़े से सीड्स को बचा लेंगे और इसे अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स हमें ये सारी प्रोसेस को एकदम फटाफट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे मिला लिया है, अब हम इसे एक पोलोथीन पर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स पोलोथीन पर हम इसलिए इसे निकाल रहे हैं ताकि हम इसे जब मिलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिल से जाएगा क्योंकि मैंने पोलोथीन पर घी स्प्रेड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी गर्म है, अब हम इसे पोलोथीन की हेल्प से 1-2 बार इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि हम इसे 1-2 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हम इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। ये देखिए फ्रेंड्स इस पर थोड़े से सीड्स को देते हुए इसे 1-2 बार हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें और थोड़े से सीड्स को हम साइड में रख देंगे। अब हम इसकी फटाफट छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो आप उन्हें इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स बच्चे तो इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स, थैंक यू।